नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ वायर कैरिंग करंट आई इज बेंड इन द शेप ए बी सी डी ई एफ ए एज शोन वे रेक्टेंगल ए बी सी डी ए एंड ए डी ई एफ ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर द आर ऑफ लेंस ए एंड बी देन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप ए बी सी डी ए कितना होएगा तो सिंपल सवाल है एम ई सी में बातें हमने की हुई हैं सो से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऐसे बात करें कि ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड और आपका एक वायर लूप ऐसे बना हुआ है आ, ऐसे ऐसे ये आपका एक लूप है सो so करंट पहले यहाँ गया फिर यहाँ गया फिर इस तरफ यहाँ पे ऐसे गया और उसके बाद ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे ये आपका लूप है आ, इसको ऐसे बना लेते हैं यह आपका लूप है और यह आपकी डायरेक्शन है जो अपने को दी हुई है ये Z डायरेक्शन है यह Y डायरेक्शन है और ये वाली X डायरेक्शन है इसको ध्यान रखना कि एक्स वाई जेड ऐसे डायरेक्शन दी हुई है अपने को राइट सो right? so, आपका ए बी सी डी ई एफ और ए ये, ये आपका लूप है नाउ अगर इसको मैग्नेटिक मोमेंट देखना होएगा तो यहाँ पे हम फिक्टिशियस दो वायर अज्यूम कर लेते हैं कि एक वायर में करंट ऐसे जा रहा है और एक में ऐसे जा रहा है सो ये हम क्लास में डिस्कस किया हुआ है तो एक लूप आपने ऐसे कम्प्लीट मान लिया एक लूप आपने ऐसे कम्प्लीट मान लिया तो इस वायर में इधर करंट है इस वायर में इधर करंट है दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देगा सो so, नाओ इस लूप की वजह से अगर देखेंगे ए बी सी डी ई ए बी सी डी ए इस लूप की वजह से जो आपका करंट आएगा ए बी सी डी ए वो करंट आपका इस डायरेक्शन में है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ होएगा सो इसके मैग्नेटिक मोमेंट को अगर हम लिखेंगे और अच्छा ये साइड जो है ये अपने को दे रखी ये है ये वाली साइड आपकी ए है ये बी है तो ये वाली साइड ए है ये बी ये ए राइट right. चलो तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होएगा वन उसको हम लिखते हैं दिस विल बी उसकी क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऐसे सो इट विल बी अपवर्ड्स सो दिस विल बी इक्वल टू ए बी करंट आई ए बी आपका एरिया हो गया आई और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो होएगी आपका ऊपर वाली डायरेक्शन यानी कि के कैप दूसरा जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वजह से करंट आपका वाई डायरेक्शन में आएगा सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट आपका वाई डायरेक्शन में आएगा एरिया हो गया ए बी सो ए बी आई और ये हो जाएगा आपका जे uh, कैप ठीक है सो so, ये आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट की जब बात करेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू विक्टोरियली एम वन प्लस एम टू इन दोनों को ऐड कर देंगे सो so, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे सो so इसकी वैल्यू हो जाएगी ए बी आई कॉमन ले लेते हैं ए बी आई और ब्रैकेट में बनेगा आपका के कैप प्लस जे कैप ये आपका वैल्यू हो जाएगी ना यहाँ पे जो हमें वैल्यू दी हुई है वो मैग्नीट्यूड अलग दिया है और डायरेक्शन अलग दी है तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे इसका जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे सो तो आपके एम नेट का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी इक्वल टू इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो आएगा रूट टू ए बी आई ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और जो आपकी नेट डायरेक्शन बनेगी वो होएगी आपकी के कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट टू ये आपकी डायरेक्शन होएगी सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर वन वुड बी द राइट आंसर